अगर हमारे कुत्ते भौंक रहे तो उसे हम कैसे रोकें और उसे कैसे शांत करें? वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो आखिर भौंकते क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो अगर हमारे कुत्ते भौंक रहे तो उसके मेनली 6 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, उसे अपने एरिया को दूसरे कुत्तों से प्रोटेक्ट करना है। सेकंड, वो डरे हुए या फिर खतरा महसूस कर रहे हैं। थर्ड, वो बीमार है या फिर दुखी है। फोर्थ, वो कोई चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कोई जगह पे फंस गए या फिर कोई जगह पे बंद हो गए। फिफ्थ, उसे आपका अटेंशन चाहिए। एंड लास्ट, वो बस आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको हाई हेलो बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे 6 मेन रीज़न जिसकी वजह से कुत्ते भौंकते हैं। अब हम एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए और प्रैक्टिकल 8 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपने कुत्तों को भौंकने से रोक सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। नंबर 8, डिस्ट्रैक्शन। अगर हमारा कुत्ता भौंक रहा है तो उसे शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर दो। अगर वो भौंक रहा है तो उसे आप खेलने के लिए खिलौने दे दो। अगर वो बाहर की कोई आवाज़ को सुनकर भौंक रहा है तो आप घर में टीवी या रेडियो ऑन कर सकते हो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप कोई भी ऐसी चीज़ करो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और भौंकना बंद कर दे। नंबर 7, एक्सरसाइज। कभी कभी क्या होता है कि कुत्ते बोर हो रहे होते हैं, वो दुखी होते हैं और स्ट्रेस में होते हैं, इसलिए वो भौंकते हैं। तो आप उसे वॉक पे ले जाओ, उसे एक्सरसाइज करवाओ या फिर कोई भी ऐसी गेम्स खेलो जिससे उसकी एक्सरसाइज हो जाए। जब भी कुत्ते एक्सरसाइज करते हैं तो खुश रहते हैं और उसका स्ट्रेस भी कम होता है। नंबर 6, उसे कमांड फॉलो करना सिखाओ। अभी थोड़ा मेहनत वाला काम है, पर अगर आपने इसमें उसे ट्रेन किया तो आप इजीली अपने कुत्ते को शांत कर सकते हो। जब भी वो भौंकेगा तो आप उसे बोल सकते हो कि चुप हो जाओ या फिर बी क्वाइट, तो चुप हो जाएगा। नंबर 5, उसे आप आपका अटेंशन दो। कभी कभी क्या होता है कि कुत्तों को आपका अटेंशन चाहिए होता है, इसलिए वो भौंकते हैं। तो आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उसे प्यार करो, उसे बात करो, उसके साथ खेलो, तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो भौंकना बंद कर देगा। अगर वो हमारे घर के बैकयार्ड में रहता है तो उसे हमें घर के अंदर आने देना चाहिए, हमें अपने साथ रखना चाहिए ताकि वो अकेला बोर ना हो। नंबर 4, कुत्तों को नए लोगों से मिलना सिखाओ। अब बहुत सारे कुत्ते नए लोगों को और अनजान लोगों को देखकर भौंकने लगते हैं। अगर आपका कुत्ता अभी नए लोगों को देखकर भौंक रहा है तो आपको उसे ट्रेन करना पड़ेगा। जब भी कोई नया पर्सन आता है तो आप उसे शांत करने की कोशिश करो, और अगर वो शांत हो रहा है तो आप उसे रिवॉर्ड भी दे सकते हो ताकि धीरे धीरे ये उसकी आदत में आ जाए। नंबर 3, कुत्तों को डॉक्टर के पास ले जाओ। अब कुत्ता भौंक रहा है तो ये नॉर्मल है, इसमें उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका कुत्ता कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा है, साथ साथ में रो भी रहा है, खिसकियाँ ले रहा है या कोई भी ऐसी आवाज़ कर रहा है, तो वो बीमार भी हो सकता है। अब अगर आपका कुत्ता हमेशा शांत रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो अचानक ही भौंकने लगा है तो पेन में भी हो सकता है, और ये केस में हमें तुरंत ही उसे उसके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नंबर 2, उसे शांत करने के लिए रिवॉर्ड नहीं देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ भी हो जाए पर हमें अपने कुत्ते को शांत करने के लिए उसे कभी भी रिवॉर्ड नहीं देना है, नहीं तो ये उसकी आदत बन जाएगी, फिर वो डेली भौंकेगा। एंड फाइनली, हमें भी उसके साथ साथ भौंकना नहीं है। कभी कभी हमारा भी मूड खराब होता है, हम भी अपसेट हो सकते हैं, और उस टाइम पे अगर वो भौंकता है तो हम उसे डांट भी सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो उसे लगेगा कि हम भी भौंक रहे हैं तो और भी भौंकेगा। उसकी जगह पे हमें उसे प्यार से और शांति से कहना है तो शांत हो जाएगा। दोस्तों, ये थे 8 तरीके जिससे हम अपने कुत्तों को भौंकने से रोक सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। पर अगर वो खुशी से भौंक रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है, तो उसे भौंकने देना चाहिए। इतनी तो फ्रीडम वो डिजर्व करते ही है ना।